चार्ली चैपलिन यानी हम सब, लिखा है विष्णु खरे ने। कर रहे हैं डिस्कशन पार्ट के बारे में डिटेल में। यह पार्ट हास्य फिल्मों के महान अभिनेता जो हैं चार्ली चैपलिन, उनकी कला के बारे में और उनकी मूलभूत विशेषताओं के बारे में है। करुणा और हास्य दो चीज़ें दोनों परस्पर विरोधी होती हैं। करुणा में हम दया को लेकर के चलते हैं और हास्य में मजाक को लेकर के चलते हैं। करुणा में कभी भी हंसी नहीं आ सकती है और हंसी में करुणा का क्या काम। लेकिन चार्ली चैपलिन की यही बड़ी विशेषता है कि वह इन दोनों तत्वों को एक साथ लेकर के चलता है। इन दोनों तत्वों का सामंजस्य चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व की बड़ी विशेषता है। वह करुणा के साथ साथ हास्य को लेकर के चलता है। तो आज हम बात करेंगे चार्ली के जादू का वर्णन, यानी चार्ली चैपलिन में ऐसा क्या जादू था जो लोगों को बांधे रखता था अपनी ओर। चार्ली चैपलिन की जन्मशती मनाई गई, उसकी फिल्म मेकिंग ए लिविंग को 75 वर्ष हो गए। विकासशील संसार में टेलीविजन और वीडियो के कारण ही चार्ली चैपलिन की फिल्मों को देखा जाता है। उसकी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई ऐसी रीलें भी देखने को मिली हैं जो अभी तक दर्शकों के सामने नहीं आ पाई। इस आधार पर लेखक यह कहता है कि आने वाले 50 वर्षों में चार्ली के कार्यों का आकलन होता रहेगा, यानी चार्ली ने जो जो काम किए वो आने वाले 50 वर्षों तक चलते रहेंगे। चार्ली की फिल्मों का आधार भावनाएं नहीं है, बुद्धि है, बुद्धि भी नहीं है। इसका परिणाम यह रहा कि पागल से लेकर महान प्रतिभा वाले व्यक्ति भी उनकी सभी फिल्मों का आनंद लेते हैं। यानी कोई व्यक्ति चाहे वह पागल है या बहुत विद्वान है तो भी वह उसकी फिल्मों में एक अच्छाई पाता है और उनकी फिल्मों का आनंद लेता है। चार्ली की अनेक फिल्में दर्शक की भावनाओं को भिन्न प्रकार की अनुभूति कराती हैं। उनमें मेट्रोपोलिस, कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, द रोवन सील, लास्ट ईयर इन मैरिनबर्ड, द सैक्रिफाइस, ये फिल्में ऐसी हैं जो अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग अनुभवों के आधार पर बनाई गई हैं। चार्ली ने फिल्म कला को सिद्धांतों के शिकंजे से बाहर निकाला, यानी वह किसी एक सिद्धांत पर कभी भी कार्य नहीं करता है। दर्शकों के मध्य व्याप्त वर्ग और वर्ण व्यवस्था को उसने समाप्त कर दिया, यानी छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक उसकी फिल्मों का कोई विशेष वर्ग नहीं है। हर वर्ग के लोग उसकी फिल्मों को पसंद करते हैं। चैपलिन ने बताया कि त्रुटियां या कमियां सभी के जीवन में हैं, यानी किसी का भी जीवन त्रुटि के बिना है ही नहीं। कमियां हर इंसान में हैं, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, विद्वान हो, पागल हो, सरल हो, मध्यम हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबके जीवन में कमियां और त्रुटियां तो पाई ही जाएंगी। उनकी माँ जो थी वो परित्यक्ता थी, वह स्टेज की एक सामान्य स्तर की अभिनेत्री थी, बाद में वह पागल हो गई थी। उनके घर में भयंकर गरीबी थी। धनपतियों, सामंतों, उद्योगपतियों से चार्ली को अनादर मिला। इस परिवेश के कारण करोड़पति हो जाने के बाद भी चार्ली ने अपना जीवन पूर्ववत बनाए रखा। अपने जीवन में उसने कोई बदलाव नहीं आने दिया, क्योंकि पहले वो निर्धन था और उसने अत्यधिक निर्धनता देखी थी। साथ ही धनी लोग थे, उसे अनादर भी मिला था, अपमान भी मिला था। चार्ली की नानी के खानाबदोश और पिता के यहूदी चरित्र ने चार्ली को घुमंतू चरित्र बना दिया। चार्ली ने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि बद्धू, खानाबदोश और आवारागर्द की प्रस्तुत की है। वह कभी मध्यवर्गीय, बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य नहीं अपना सका, यानी वो मध्यम भी नहीं बना, उच्च वर्ग का भी नहीं बना, बल्कि उसने अपने घूमने फिरने वाले व्यक्ति की या खानाबदोश जो लोग होते हैं, आवारागर्द
तरह के उस तरह की छवि बनाने की कोशिश की। फिल्म समीक्षक और फिल्म कला के जो विद्वान हैं वो ये अनुभव करते हैं कि चार्ली का मूल्यांकन करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उनकी कला किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि वह उनकी कला जो है खुद एक सिद्धांत बनाती है। देशकाल की सीमाओं को लागते हुए चार्ली सबको अपना लगता है। किसी भी देश में चार्ली चैपलिन की कोई भी फिल्म अगर चलती है तो उसे हर दर्शक वर्ग देखता है। दर्शक उसके किरदार में कभी खुद को देखता है तो कभी अपने किसी परिचित को। बुद्धि की तुलना में चार्ली ने भावना को चुना। उसके दो कारण थे, यानी बुद्धि के आधार पर उसने फिल्में नहीं बनाई बल्कि भावना के आधार पर उसने फिल्में बनाई। एक बार जब वह बीमार हुआ तो उसकी माँ ने बाइबिल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर उसे सुनाया। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रसंग पर दोनों माँ बेटा रोने लगे थे। इस कथा से चार्ली ने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ सीखा था। दूसरी घटना ने भी चार्ली को बहुत प्रभावित किया था। चार्ली के घर के पास कसाई खाना था। वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए आते थे। एक बार एक भेड़ किसी प्रकार जान बचा करके भाग निकली। उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने वाले कई बार फिसलकर सड़क पर गिरे, जिसे देख करके लोगों ने हंसी के ठहाके लगाए। इसके बाद भेड़ हाथ में आ गई। चार्ली ने अनुमान लगा लिया कि अब भेड़ के साथ क्या होगा, और उसका हृदय करुणा से भर गया। हास्य के बाद करुणा यही भावी फिल्मों का आधारभूत मनोभाव उसने बनाया। इस तरह की घटनाएं जो हास्य की थी, उसके बाद जब भेड़ को मारा जाएगा तो उसमें करुणा का भाव था, तो अपनी हंसी में उसने दोनों को शामिल किया। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र जो है उसका संबंध भी रस से है, लेकिन यहाँ करुणा हास्य में नहीं बदलती कभी भी। नहीं, जो दया का भाव है वो कभी भी हंसी में नहीं बदलता। जीवन में हर्ष और विषाद अक्सर आते रहते हैं। कभी हम हंसते हैं, कभी हमारे करुणा के भाव आते जाते हैं, लेकिन दोनों में कोई निकटता नहीं है। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं करुणा और हास्य। दूसरे भारतीय नाट परंपरा जो थी, हास्य दूसरों को देखकर उत्पन्न होता है, खुद पर कोई भी नहीं हंसता है। अगर हम भारतीय कला की बात करें, भारतीय फिल्मों की तुलना चार्ली की फिल्मों से करें, तो स्वयं पर कोई भी कलाकार हंसता हुआ नज़र नहीं आता। जबकि चार्ली की यदि बात करें तो चार्ली खुद पर ही स्वयं पर अनेक बार हंसता हुआ उसकी फिल्मों में नज़र आता है। हमारी भारतीय फिल्मों में संस्कृत नाटकों का विदूषक यदा कदा अपने कारणों से दूसरों को हंसाता है, लेकिन उसमें भी करुणा और हास्य दोनों कहीं भी नहीं पाए जाते एक साथ में। तो चार्ली का हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और कब करुणा हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, हम ये नहीं जान सकते। भारतीयों ने भारतीय साहित्य शास्त्र के विरुद्ध चार्ली के इस प्रयोग को भी स्वीकार कर लिया। इस स्वीकार्यता ने कला की सार्वजनिकता को ही प्रमाणित किया है, यानी कि कला की ये सार्वजनिकता हुई कि सभी लोगों ने उसे उनके इस प्रयोग को स्वीकार कर लिया, जहां उन्होंने करुणा और हास्य का दोनों का मेल स्थापित किया है। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित होकर राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई थी, जो वस्तुतः द ट्रैम्प का शब्दानुवाद है और चार्ली का भारतीयकरण। इस फिल्म से स्वयं नायकों ने अपने ऊपर हंसने की परंपरा को जन्म दिया। उसके बाद इस परंपरा में दिलीप कुमार ने बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी, देवानंद ने 9-2-11, फंटूस, तीन देवियां आदि फिल्में बनाई। शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी चैपलिन जैसा ही किरदार निभाते दिखाई दिए। आज जब कभी नायक की झाड़ू से पिटाई दिखती है तो चार्ली का स्मरण हो जाता है। चार्ली की फिल्मों की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो अपनी फिल्मों में कभी भी भाषा का प्रयोग नहीं करता है।
यानी सबसे कम भाषा का प्रयोग करता है, उसमें मानवीय स्वरूप अधिक हैं। चार्ली में सार्वभौमिकता है, सार्वभौमिकता यानी हर वर्ग, कोई भी देश हो उस पर किसी वर्ग का, किसी स्थान का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, चाहे देखने वाला गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो। तीसरी उसकी विशेषता है कि वह चिर युवा दिखता है, हमेशा कैसा दिखता है, सदाबहार दिखता है, सदैव चिर युवा वो दिखाई देता है। वह किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगता, जो भी देश उसे देखता है उसे अपना लेता है और उसको अपने जैसा ही नज़र आता है। चार्ली सबको अपना स्वरूप लगता है, यानी चार्ली में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपना खुद का स्वरूप देखता है, उसमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है, यानी कि जैसे सभी लोग हैं उसको अपने आप को सब में परिवर्तित करने की जो क्षमता है, तभी उसे सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। जब वो सबके जैसा बनेगा तभी उसको सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो पाठ का जैसा कि शीर्षक ही है कि चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जैसा कि हम सब में से कोई व्यक्ति हो सकता है, चार्ली चैपलिन हमेशा उसी रूप में खुद को परिवर्तित कर लेता है, इसीलिए हमें उसकी फिल्मों में कहीं ना कहीं हमारे आसपास के चरित्र जो है नज़र आ जाते हैं। तो हम सब में कहीं ना कहीं चार्ली चैपलिन है और चार्ली चैपलिन में हम सब कहीं ना कहीं शामिल हैं। भारत में चार्ली चैपलिन को महत्व क्यों दिया जाता है? यदि हम होली के अपवाद को छोड़ दें, एक होली को छोड़ करके हमारे यहाँ, तो भारत में अपने खुद पर हंसने और स्वयं हास्यास्पद बनने की कोई परंपरा नहीं रही है। नागरिक लोग तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते हैं, यानी भारत के नागरिक ऐसा नहीं कर सकते कि वो खुद पर हंसे। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा हंसता है और भारत में चार्ली चैपलिन के महत्व का सबसे बड़ा कारण भी यही है। चार्ली बड़े से बड़े व्यक्ति पर हंसने का अवसर देता है, वह ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाकर भी कभी भी हास्य का पात्र बन जाता है, यानी कभी भी वह लोगों को हंसने का मौका दे देता है। उसका रोमांस पंक्चर हो जाता है, वह महानतम क्षणों में अपमानित होना जानता है। लोगों को हंसी तभी आएगी जब वह अपमानित होगा। शूरवीर क्षणों में क्लैव्य और पलायन की स्थिति आ जाती है, यानी कि जब वो एक योद्धा की तरह कहीं जाता है तो फिर वो वापस लौट करके आ जाता है, वहाँ पर भी वह हंसी का पात्र बनता है। उसके पात्र लाचार दिखते हुए भी विजयी बन जाते हैं, यानी कभी कभी उसके पात्र लाचार होते हैं तो भी जीत जाते हैं। इन सब कारणों से भारत में भी चार्ली चैपलिन का अत्यधिक महत्व है।